हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड वायरल क्लश में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भाई डार्लिंग प्रभास से और उसके साथ बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा यानी कि दीपिका पादुकोण से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली 20वीं फिल्म यानी कि राधे श्याम को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका पहला लुक अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया और इस लुक में उनका और भाई पूजा हेगड़े का बहुत ही जबरदस्त लुक सामने आया। यानी कि भैया पूजा हेगड़े के साथ बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे थे डार्लिंग प्रभास और उनके इस लुक को लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। और इस फिल्म के लुक को जारी करते ही एक और खबर आ गई डार्लिंग प्रभास को लेकर, जिसको सुनने के बाद उनके फैंस खुशी से झूम उठे। यानी कि भैया यह बात बता दी गई कि भैया उनकी आने वाली 20वीं फिल्म के बाद में उनकी 21वीं फिल्म की हीरोइन कौन होगी। तो भैया उनकी 21वीं फिल्म जिसे नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर यह जानकारी क्लियर हो गई कि भैया प्रभास की आने वाली 21वीं फिल्म में उनके साथ में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। और इस फिल्म के बारे में यह भी बात बता दी गई कि भैया यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा मूवी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई दीपिका पादुकोण ने तो इस फिल्म के माध्यम से भैया सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। यानी कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक किसी भी फीमेल एक्ट्रेस को इतना साइनिंग अमाउंट नहीं मिला है जितना कि दीपिका पादुकोण को प्रभास की आने वाली 21वीं फिल्म के लिए मिल रहा है। यानी कि भैया बॉलीवुड हंगामा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि भैया ये दावा करते हुए कहा है कि भैया उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स से ये बात पता चली है कि भाई इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और वहीं पर प्रभास को इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यानी कि भैया अभी तक फिल्म का काम शुरू नहीं हुआ है कि इस फिल्म का जो बजट है वो 70 करोड़ हो चुका है। तो आप समझ लो कि ये फिल्म किस लेवल पे बनेगी और इस फिल्म का बजट क्या होगा। तो भाई ये खबर जब से सबके सामने आई है तो उसके साथ ही इस बात की चर्चा काफी होने लगी है कि भाई दीपिका पादुकोण तो भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा बन गई जिसको इतना साइनिंग अमाउंट मिला। भाई बहुत बड़ी बात है बॉस, कि अगर आपको बताया तो भैया यहां पर प्रभास जो है वो केवल उनसे 30 करोड़ ज्यादा है और यहां पर दीपिका पादुकोण 20 करोड़ ले रही हैं इस फिल्म के लिए। यानी कि भैया बॉलीवुड के कई सारे मेल एक्टर ऐसे हैं जिनको इतना अमाउंट किसी भी फिल्म के लिए नहीं बनता है। यानी कि भैया वो बड़ी बात है भाई। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जब दीपिका और प्रभास की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो कितना धमाल मचाएगी। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड वायरल क्लश को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।